राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो हम देश में मनाते हैं उसे हम राष्ट्रीय कहते हैं, और जो हम पूरे विश्व में मनाते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सी वी रमन थे, आज ही के दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। उस उनकी खोज को ऑनर करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, और भारत में इसी दिन को, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो आज ही के दिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस विषय पर और विज्ञान पर हमारे बच्चे थोड़ा बहुत जो भी अपना टॉपिक तैयार करके लाए हैं वो इस पर बोलेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तो मैं एक एक करके सभी बच्चों को बुला। हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम क्लास 10। टुडे आई विल शेयर सम नॉलेज अबाउट साइंटिस्ट सी वी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ। उनके पिता विशाखापत्तनम के महाविद्यालय आधुनिक आंध्र प्रदेश में फिजिक्स और गणित के एक प्रख्यात प्रोफेसर थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने 1904 में MBSC की परीक्षा पास की और 1907 में भौतिक साइंस में MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। भौतिक साइंस में टॉप करने की वजह से उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की, तथा तब से उस दिन को इंटरनेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू। Everyone, my name is Anamika Kumari. I live in 7th class. Today, I will talk about our Indian scientist C.V. Raman. Achievements. He was the first Indian scholar who studied wholly in Indian, received the Nobel Prize. C.V. Raman is one of the most renowned scientists produced by India. His full name was Chandrasekhar Venkata Raman. For his pioneering work on scattering of light, C.V. Raman won the Nobel Prize for Physics in 1930. Chandrasekhar Venkata Raman was born on November 7, 1888 in Tiruchirappalli, Tamil Nadu. He was the second child of Chandrasekhar Iyer and Parvati Amma. His father was a lecturer in mathematics and physics. So he had an academic environment at home. Thank you. Principal, teachers and my dear friends, Thank you for giving me the opportunity to speak about some of the greatest Indian scientists and their contribution to our world. Scientist is an important part of everyday life. National Science Day is celebrated on 28 February every year to mark the discovery of Raman effect by our Indian scientist Sir C.V. Raman. India has always been the birthplace of the greatest scientists, right from Aryabhatta till Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was Indian scientist who we work as aerospace engineer. He was associate with ISRO, Indian Space Research Organization. He had designed Prithvi and Agni missiles. C.V. Raman, he was the first Indian scientist who was awarded Nobel Prize in the field of science. He carried groundbreaking work in the field of light searching. Third, Homi J. Bhabha. H.J. Bhabha is the father of Indian nuclear power. He was the first chairman of Atomic Energy Commission of India. Thank you for... Hello, I am Aryan, class 9. आज मैं आपको conical flask के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक conical shaped flask है जिसके bottom flat होती है, और इसका काम होता है मिक्सिंग सॉल्यूशंस एंड
मिक्सिंग सॉल्यूशंस एंड हीटिंग सॉल्यूशंस एंड अदर्स जो हम मिक्सिंग करने के लिए थे इसके अंदर सॉल्यूशंस डालते हैं, उनको मिक्स करके इस तरह में फिर हम उससे इससे हम मिक्स कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवम फ्रॉम क्लास 10। आज मैं आपको किचन में कुछ विज्ञान से संबंधित पदार्थों का उपयोग कैसे होता है इसके विषय में जानकारी दूंगा। बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग किचन में खाना जल्दी बनाने के लिए किया जाता है, क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है और केक को फुलाने के लिए किया जाता है। चीनी और नमक, यह खाने का स्वाद बढ़ाते हैं तथा अचार और मुरब्बों को सालों साल खराब होने से बचाते हैं। ईस्ट, इडली और भटूरे को फुलाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। विनेगर, इसे सिरका भी कहते हैं, सिरके का उपयोग अचार और मुरब्बों को सालों साल खराब होने से बचाता है। थैंक यू। पर नीडल होती है और नीचे एक हैंगर होता है, अगर उस हैंगर पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे तो उस नीडल से उसका यहाँ पे वेट दिखाई देता है जो यहाँ पर लिखा होता है।